हरियाणा सरकार किसानों के हित में नित नए प्रयास कर रही है। बागवानी विभाग की तरफ से कैंप लगाकर किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों से अवगत कराया जाता है। साथ ही सरकार की तरफ से किसानों को खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं से भी किसानों को लाभ हो रहा है। प्रदेश के अधिकतर किसान आज आधुनिक और जैविक खेती से जुड़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले ऐसे ही एक किसान हैं कैथल के प्रगतिशील किसान रणधीर सिंह, जो अपने खेतों में कई तरह के फलों और सब्जियों के साथ साथ मसालों की भी खेती करते हैं। वह अपने फसलों को केमिकल रहित और हेल्दी बनाने में विश्वास रखते हैं। वह बताते हैं कि आज उनके खेत जिले भर में मशहूर हैं। अन्य किसानों के लिए रणधीर एक किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। किसान रणधीर बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही खेती का शौक था। अब जब किसान को खेती करते हुए देखा तो उनके मन में खेती करने की भावना जागृत होती थी। खेती करने के लिए अपने सपने को पूरा करते हुए किसान रणधीर ने आज खेती के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है और एक बड़ा आयाम स्थापित कर दिया है। वो बताते हैं कि उन्हें अच्छी खेती करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई बार सम्मानित किया गया है। कड़ी मेहनत और प्राकृतिक खेती करने की अच्छी जानकारी होने से ही आज रणधीर सिंह इस लेवल पर खेती कर रहे हैं। मेरा नाम रणधीर सिंह शोकंद है और मैं गांव जाजनपुर डिस्ट्रिक्ट कैथल का रहने वाला हूं। और मैंने 5वीं क्लास में ही खेती में उसमें गेंदे में फर्स्ट आया था स्कूल में, और मेरा वहीं से ध्यान पलट गया कि मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर बनूंगा और रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो वहां पर जब मैं खेती करता था दिन रात 24 घंटे में अपने खेत में रहता था, गांव में बहुत कम आता था। और पहले 15 साल अड़वाया, फिर ट्रैक्टर ले लिया और उसमें मैंने वहां 15 लिम्का बुक में रिकॉर्ड जमा कराए और लगभग 150 के करीब मेरे पास वहाँ सर्टिफिकेट थे, 150-200 के करीब सर्टिफिकेट थे स्टेट के और पंजाब के क्रॉप कंपटीशन फसल प्रतियोगिता के। और जी मेरे को डिस्ट्रिक्ट जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को जिला कैथल ने बहुत बार सम्मानित किया और एक बार तो यहाँ कुरुक्षेत्र में भी सम्मानित किया। किसान रणधीर प्राकृतिक खेती करते हैं। वो बताते हैं कि प्राकृतिक खेती करने से किसान को कितना लाभ मिलता है। प्रगतिशील किसान रणधीर बताते हैं कि जैविक खेती करने से पैदावार तो ज्यादा होती ही है और साथ ही केमिकल का इस्तेमाल न होने से उनकी फसल भी हेल्दी और अच्छी होती है और गुणवत्ता से भरपूर होती है। इससे बाजार में उन्हें उनकी फसल के दाम भी अच्छे मिलते हैं। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों और संश्लेषित कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है, जो भूमि की उर्वरता को शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वह अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने की सलाह देते हैं। के लिए तो आप ऑर्गेनिक उगाओ, जो प्राकृतिक खेती होती थी प्राकृतिक खेती करो। हमारे बुजुर्ग थे और आपने देखा होगा मैंने प्राकृतिक खेती के अंदर दिखा आपको, ये लहसुन लगा रखा, दो क्यारी में मैंने इसमें पत्ते डाले वृक्षों के और एक क्यारी में मैंने नहीं डाले। उस क्यारी में जिसमें नहीं डाले उसमें लहसुन कमजोर भी है और उसके अंदर मैंने लेबर लगी मेरी, उसमें मेरा पैसा खर्च हुआ है लेबर का, परंतु उसमें लेबर की जरूरत नहीं है। और जिसमें पत्ते डाल रखे हैं वो लहसुन बढ़िया है, जिसमें नहीं डाला है वो कमजोर है। मैं कहता हूँ भी पत्ते, जितने भी पत्ते आपको कहीं मिले अपने कट्टे में, बोरी में, पलियों में बांध कर रखें उसको और उसमें पानी छिड़के। मैंने जितनी हल्दी खड़ी है इसमें कम से कम भी मैंने एक एक फुट तक पौधे छोड़ के एक एक फुट इसके अंदर मैंने पत्ता डाल दिया था। मैंने 1 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट सारी साफ कर दी थी और लोग कहते हैं जब पागल है वैसे कबाड़ ठाए फिरे, तो मैं बोला कोई बात नहीं, किसान पागल ही समझते हैं किसान को। तो हाँ जी, पलवल में भी किसान अब परंपरागत खेती छोड़कर सब्जियों की आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, आधुनिक खेती को अपना रहे हैं और साथ ही अब इससे एक तरफ जहां लागत और मेहनत कम लगती है तो वहीं मुनाफा भी परंपरागत खेती से ज्यादा है। जिले के गांव फाटनगर निवासी लक्ष्मीचंद अपने परिवार के साथ मिलकर पिछले 10 से 12 वर्ष से 8 एकड़ में सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। किसान लक्ष्मीचंद का कहना है कि पहले वो भी परंपरागत खेती करते थे जिसमें ज्यादा लागत लगती थी और मुनाफा नाम मात्र होता था, लेकिन अब सब्जियों की खेती से उन्हें कम लागत में ही अच्छा लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से भी अब इस तरीके की खेती के लिए किसानों को अनुदान राशि दी जा रही है,
जिससे किसानों की आय को दुगना करने का सपना सरकार का पूरा हो सके। किसान लक्ष्मीचंद ने बताया कि वह पहले गेहूं और धान की खेती करते थे, जिसमें दिन रात मेहनत करने और भारी भरकम लागत लगाने के बाद भी मुनाफा नहीं होता था। लेकिन उन्हें 12 साल पहले किसी ने सब्जियों की खेती करने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने परिवार के साथ मिलकर सब्जियों की खेती की शुरुआत की, जिसमें उन्हें सफलता मिल गई और अब 8 एकड़ में सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें कम मेहनत और कम लागत में जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उन्होंने गोभी, आलू, पालक, धनिया, बैंगन, टमाटर, मूली, मेथी पालक आदि सब्जियां उगाई हुई हैं। इतना ही नहीं, लक्ष्मीचंद ने कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से समय समय पर कई तरह के अनुदान सब्जियों की खेती के लिए मिल रहे हैं। किसान लक्ष्मीचंद के अनुसार उनके 5 पुत्र हैं, उनके साथ इस तरीके की खेती में उनका हाथ बटाते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अन्य किसानों को भी परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती करनी चाहिए, ताकि उनको अच्छा मुनाफा हो सके। किसान लक्ष्मीचंद के साथ किसानी में हाथ बटाने वाले उनके परिवार के लोगों ने बताया कि पहले वो भी परंपरागत धान गेहूं की खेती किया करते थे, जिसमें लागत ज्यादा आती थी, आमदनी कम होती थी और इन फसलों में कीटनाशक का भी इस्तेमाल ज्यादा होता था। लेकिन अब सब्जियों की खेती में बिल्कुल इसके विपरीत है, उन्हें कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो रहा है, परंपरागत खेती के बराबर मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। साथ ही उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक से सब्जियों की खेती करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कम समय में तैयार होती है, उत्पादकता ज्यादा होती है, लाभ ज्यादा होता है। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से भी इस तरीके की खेती पर अनुदान राशि देकर भी आर्थिक मदद दी जाती है, जो हमारी खेती में सहायक सिद्ध हो रही है। खेती कर रहे हैं आप? 10-12 साल है। किस किस चीज की खेती करते हैं? मूली है, धनिया है, गोभी है, आलू है, बैंगन है, टमाटर है। इससे पहले किस चीज की खेती करते थे? धान की, धान, सरसों। तो वो आप छोड़ करके फिर इसमें ये सब्जियां उगानी कैसे शुरू करी आप? यहाँ में नफा हो जी बढ़िया, इसमें आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है? हाँ जी, अच्छा हो मुनाफा। धान सरसों की में नुकसान होता था? नुकसान हो। तो इसके लिए किसने सजेस्ट किया आपको कि आप सब्जी उगाइए? कोई वो सही आदमी ने कही है जी। तो क्या सरकार की तरफ से समय समय पर आपको अनुदान राशि मिलती है? हाँ जी मिले। कब से खेती कर रहे हैं आप? 10-12 साल से खेती करते हमें, और हमें किसी किसान भाई ने बताया कि आप खेती करो, सब्जी करो, कुछ भी, आलू है, बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, गोभी है, कुछ भी करो, उनमें अच्छा तरह से मुनाफा होगा। तो आपको क्या आप मुनाफा हो रहा है? हाँ, हमें मुनाफा आ रहा है। तो धान की और सरसों की फसल के मुताबिक आपको इसमें कितना मुनाफा हो रहा है, कितना मुनाफा है? हमें सरसों, धान गेहूँ और सरसों से मुनाफा ज्यादा आ रहा है सब्जी में। आपको सरकार की तरफ से कोई अनुदान राशि मिलती है? हाँ, सब्सिडी मिलती है हरियाणा सरकार का। हम धन्यवाद करते हैं कि समय समय पर हमें किसान भाइयों को मदद करती है। 10-12 साल से हम धान और सरसों की फसल को छोड़कर बाकी फसल, जैविक फसल उगा रहे हैं, जैसे कि धनिया है, मूली है, गोभी है, मेथी है, इस फसल को, जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। क्या सरकार की तरफ से आपको अनुदान राशि मिलती है? हाँ। आपने ये खेती क्यों स्टार्ट करी सब्जी की? सब्जी की हमें किसान भाई ने बोला कि इससे अच्छा मुनाफा होगा। तो क्या आपको अब अच्छा मुनाफा हो रहा है? हाँ। सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है? हाँ जी, हम हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। सर, मेरा नाम डोलीलाल है, हम 5 भाई हैं और हम 5 भाई मिलजुल कर पिताजी के साथ हम मूली, धनिया, गोभी और पालक वालक, जो आलू, ये खेती करते हैं। कब से खेती कर रहे हैं? हम कुछ ही साल, कई सालों से कर रहे हैं, 5-6 साल से ये खेती कर रहे हैं। उससे पहले किस चीज की खेती क्या करते थे आप? उससे पहले धान है, गेहूं है, सरसों है, ये खेती करते थे। अब आप ये सब्जी खेती क्यों करने लगे? किसी ने हमें बताया कि ऐसी खेती करा करो, उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा है। तो अब आपको धान और सरसों की फसल से इसमें ज्यादा मुनाफा दिख रहा है? हाँ, सब्जी में ज्यादा मुनाफा दिखता है। तो सरकार की तरफ से भी आपको कोई सब्सिडी मिली? हाँ, मिली है कुछ सब्सिडी सरकार की तरफ से ही। और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने ये संदेश देना है कि आप भी ये धान गेहूं और ये छोड़कर सब्जी पे आ जाना। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि अगर वास्तव में कोई कुछ हासिल करना चाहता है तो वो इसे हासिल करने के लिए तरीके ढूंढता रहेगा और आखिर में सफल होकर ही रहेगा। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए ठान लें और पूरी तरह से प्रयास करते हैं तो आप सभी कठिनाइयों से पार पाकर आखिर में सफल हो ही जाते हैं, और इस कहावत को सच कर दिखाया है इन प्रगतिशील किसानों ने।
जिन्होंने अपनी मेहनत से खेती को सफल बनाया और प्रगतिशील किसान प्रदीप आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं।